नमस्कार, मैं अर्चना धुआ एसकेवी दलूपुरा से। आज मैं बात कर रही हूँ रीडिंग कैंपेन के बारे में। जी हाँ, सभी स्कूल्स के अंतर्गत चलाया जा रहा रीडिंग कैंपेन क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है। सही कहूँ तो बहुत ही अच्छा प्रयास, क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत बच्चों को अलग अलग थीम्स की एक्टिविटीज दी जा रही हैं, वर्कशीट्स दी जा रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं, इतनी अच्छी कहानियां, बच्चों का ज्ञान तो बढ़ा ही रही हैं, बच्चों में आत्मविश्वास भी बहुत बड़ा है, सकारात्मक बदलाव हम देख पा रहे हैं। तो चलिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगी, आप और हम मिलकर इस रीडिंग कैंपेन को और अधिक सफल बनाते हैं। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी बिल्कुल, आप और हम मिलकर इस रीडिंग कैंपेन को सफल बनाते हैं और एक बार फिर बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बच्चे रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत की दी जा रही एक्टिविटीज को बहुत ही जोर शोर और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमसे कुछ बच्चों ने अपनी क्लिपिंग शेयर की, तो चलिए देखते हैं अपने नन्हे मुन्नों की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटीज की छोटी सी झलक। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था। दूर से एक घड़ा दिखा पास, उसके जा पूछा। दूर से एक घड़ा दिखा पास, उसके जा पूछा। बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवा पिया पानी, खत्म हो गई कहाँ। प्यासा कौवा आया, घर में पानी कम पाया। कौवे ने ढाला कंकर, पानी आ गया ऊपर। कौवे ने ढाला कंकर, पानी आ गया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, हो गई खत्म कहानी। कल सौरव का जन्मदिन था। तो वो साइकिल पे बैठ के स्कूल गया और स्कूल में उसने वो अपना जन्मदिन मनाया। वो घर सौरव घर पे आकर देखा कि उसका कमरा अच्छे से सजा हुआ है और उसके सोफे पे बहुत अच्छा सा तोहफा भी रखा हुआ है। तो ये सब देख के सौरव बहुत खुश हो गया और उसकी बहन सुमन संतरी रंग के सलवार सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सौरव की मम्मी ने उसके लिए समोसे, सूप और सेवई बनाया था। वो ये सब खा के उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो लोग बहुत खुश भी हो गए। राउंड एंड राउंड। चांद रोशनी लेके आया, कोयल ने प्यारा गीत गाया। हमसे पहले कोई विश न कर दे, इसलिए रात के 12 बजे हमारा मैसेज आपको आया। हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। से खास होता है परिवार, हर सदस्य करते एक दूजे को प्यार। आपस में एक दूजे को समझा करते हैं, कैसे भी हो घड़ी शादियाँ करते हैं। ऐसा है मेरा परिवार। मौसम बदला, आई सर्दी, श्यामू पहने मोटी वर्दी। ठंडी हवा जब जोर से चलती, पिंकी इसमें खूब ठिठुरती। कान में मफलर ऊपर कंबल, रहना इससे खूब संभल कर, वरना लग जाएगी खांसी। कैसे जाओगे तुम झांसी। लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया ओ साथी। पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया ओ साथी। हमारा इंडिया, तुम्हारा इंडिया, सभी का इंडिया। पढ़ेगा इंडिया, लिखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया।
आ।